रैशनल नंबर पढ़े आपने, रैशनल नंबर? यस सर, यस सर। मैंने स्टडी अबाउट रैशनल नंबर सी, इट इज हैविंग अ वर्ड दैट इज नोन एज रेशियो। रैशनल नंबर का फुल फॉर्म क्या, एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू मतलब कोई भी दो इंटीजर्स, आइदर इट कैन बी माइनस फोर बाई फाइव, आइदर इट कैन बी फाइव बाई फोर, आइदर इट कैन बी फोर बाई थ्री, बट द नंबर शुड नॉट बी जीरो लाइक दिस। फाइव अपॉन जीरो ये गलत है, माइनस सिक्स ऊपर रहा चलता, लेकिन जीरो रहा नीचे तो नहीं चलता। जीरो में जीरो या उससे कम रहा कोई भी नंबर तो रैशनल नंबर नहीं है। तो ऐसे नंबर्स, दोस नंबर विच आर देयर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर से एक टॉपिक है रेशियो। रेशियो मीन्स एक्सप्रेसिंग अ नंबर, एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, दैट इज 7/8 और 16/4। इफ यू सी द अपर नंबर, व्हाट इज दैट इज कॉल्ड, अपर नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। एंड द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। किसको डाउट है यहां तक बताओ अभी? नो सर। ओके, ऐसा कोई है जिसको प्रॉब्लम यहाँ तक बताओ? अ रैशनल नंबर विच इज देयर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड कैन बी एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, दैट इज एक्सप्रेसिंग इट नंबर इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एनी डाउट टिल दिस पार्ट नाउ? नो सर। श्योर? डैम श्योर? ओके, नाउ जस्ट फोकस हियर एवरीवन। इफ यू एक्सप्रेस द नंबर इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज, द फर्स्ट ऑफ ऑल दे आस्क यू द डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन? सो मार्क दिस डेफिनेशन। व्हेन यू कंपेयर अ क्वांटिटी, when you compare a quantity from another quantity, see a height of a person, Hina and Amir, we are comparing what, do quantity ko compare kar rahe hum log ek dusre se ki ye kitna hoga wo kitna hoga, theek hai? Ya main bolunga ki Ritu has 3/2 times of marble, yaar Amir is 4/4 times greater or larger than this. Ye part mein kya hota hai, we compare the two different parts ek dusre se, theek hai? Ab usko compare kaise karte hai wo explain karta hu. Okay, should I start now explaining to you now? Yes, ready? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, listen yes. to me carefully. If I say about this, Raju, jo hai, Raju is 4 times smaller than me. Ab sunna, main kya bata raha hu jaisa. Option A, matlab Raju jo hai, उसकी हाइट 10 होगी और मेरी 40। ऑप्शन बी, राजू की साइज जो है वो 40 होगी, मेरी 10। राजू इज 4 टाइम्स स्मॉलर देन मी, मतलब मी मतलब अंकुश सर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सर। ऑप्शन ए, हाइट 40 सर। ऑप्शन सर ए, 10। ऑप्शन घुमा के है वो, मुझे बताओ वो बोल रहा है 4 गुना वो किससे छोटा है वो? अंकुश सर, अंकुश सर। राजू में अगर 4 मल्टीप्लाई करूं देखो 40 आता है क्या? इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? देखो हुआ। यस सर, यस सर। वन मोर थिंग नाउ सी, यू नीड टू कन्वर्ट दैट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स, लाइक HCF शुड बी देयर बिटवीन बोथ देम, शुड बी 1। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो जैसे 15/10 दिया, अब 15/10 को आप कन्वर्ट करो उसको फैक्टर्स में, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है? दोनों को डिवाइड कर सकता है का HCF कितना होगा? फैक्टर निकालोगे तो कितना होगा पता है? सिर्फ 1 होगा। क्या होगा बेटा? 1। इफ आई गिव यू अ नंबर लाइक सी 10/5, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? देखो कौन से मल्टीप्लाई, कौन से टेबल में आते हैं बताओ पहले? 5 के टेबल में आते हैं। 5 2 5 1 5 1। तो व्हाट इज फाइनल रेशियो गॉट? 2/1। इसको ऐसे नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते, इसको जब ऐसे लिखते हैं हम लोग रेशियो के फॉर्म में, तो ये जो दो डॉट है ना, इस दो डॉट को बोलते हैं इस टू, 2:1, 2:1, 2:1। इसको ऐसे पढ़ते हैं। अब देखो जब दोनों के बीच में जो HCF है, इन दिस केस आल्सो 2/1, यू आर हैविंग HCF लाइक दैट इज 1 इन बोथ द फैक्टर्स, बिकॉज़ आई सी 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 2 × 1। उसके मल्टीपल क्या होंगे? 1 के 1 × 1, दोनों कॉमन क्या है? 1। तो जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ओनली। यहां तक ऐसा कोई डाउट किसी को? नो सर। श्योर ऐसा कोई है सर? हां बेटा,
सर एक बार वो 2:1 को 2:1 भी कहा जा सकता है क्या? हाँ, 2:1 भी कहा जाता है, लेकिन साइंटिफिक मैथ्स लैंग्वेज में वी से इट एज 2:1 इज रिटन लाइक 2:1 is 2 इज द वर्ड यूज्ड फॉर दैट टर्म. या यस बेटा से कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर. नो सर. शुड आई मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक? नो सर. यस सर. यस. Now one of the most important thing, जब हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ. देखो बहुत इजी है, अब तुम लोग खुद से करने लगोगे. एक क्वेश्चन, थोड़ा दो तीन टॉपिक तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं. अगर कोई बोल रहा है कि चार बॉटल है, फोर बॉटल्स इज हैविंग द वेट ऑफ इज ऑफ 100 rupees, तो बताओ एक बॉटल कितने की हुई? 25. whenever you are getting a comparison like this and they are asking about one bottle, to kuch nahi karna, ye jo bhi number hai, kiske bare mein pucha hai, bottle ke bare mein, to ye jo char hai yahan se hata do, wahan pe one rakho, to yahan pe kya hoga? 100/4. If they are asking that, six students are there and six students ko distribute kiya maine 1200 rupees. रुपए. मुझे बताओ टू स्टूडेंट्स जो रहेंगे, हर दो स्टूडेंट्स को कितने रुपए मिल रहे होंगे कंबाइन? 200. हाँ, अब सुनो. नहीं नहीं नहीं, अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, म्यूट योरसेल्फ. फॉर दैट सिक्स के फैक्टर्स क्या होंगे? सिक्स के फैक्टर्स निकालो. सिक्स के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 को जब मैं नीचे लेके जाऊंगा, वहां पे जाके उसको डिवाइड कर दो, कितना होगा वो? 400. मतलब दो स्टूडेंट्स, देखो दो स्टूडेंट्स को कितना मिल रहा है? 400 rupees मिल रहा है. ये किसको नहीं समझा बताओ फिर से. देविका डन सर, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, 6 को 100 से डिवाइड कर फिर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते. जस्ट वेट, आई विल टेल यू. 6 स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट केस, केस 1, फर्स्ट ट्रिक. सेकेंड ट्रिक, इफ दे आस्क्ड यू, 6 स्टूडेंट्स आर हैविंग हाउ मच रुपी? 1200. जिनको डिफिकल्टी जाती है, सबसे पहले इसको वन कर दो. वन स्टूडेंट के पास क्या होगा? वन स्टूडेंट के लिए मुझे चाहिए, तो व्हाट आई नीड टू डू? 1200 अपॉन 1600 6, सो इट विल बी हाउ मच? 200. पक्का? यस सर. अगर वन स्टूडेंट को 200 रुपीज मिल रही है, ठीक है, मुझे कितने स्टूडेंट्स चाहिए? 2 students. तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये वन में कितने मल्टीप्लाई करो? 2. 2 into 1 students is equal to 2 into 200. तो देखो मुझे कितना मिलेगा? 2 into 1 will be 2 students. 400 rupees. यहाँ तक किसी को डाउट? मेरा क्लियर? नो सर. एक्चुअली फर्स्ट वन वाला बहुत काम आता है बाद में, फर्स्ट ऑफ ऑल में, पहले इसमें बहुत काम होता है. सर प्लीज वंस मोर. व्हिच वन बेटा? मेरा सर दैट वन ओनली. बेटा 6 स्टूडेंट्स आर देयर, 1200 रुपीस है. जब व्हेनेवर दे आस्क यू टू सेव फॉर वन स्टूडेंट, सो वन स्टूडेंट इज इक्वल टू जो भी नंबर है उसको डिवाइड करो, तो 6 है. नीचे लेके चल जाओ, जो भी नंबर है उसको नीचे लेके जाओ, उस फुल वैल्यू से. सो यू विल बी गेटिंग 1200 अपॉन 6, दैट इज 200 अपॉन 6, that is 200 rupees per student. Now, whenever there is 200 rupees, तो मुझे निकालना था दो स्टूडेंट के लिए. मेरे पास एक स्टूडेंट के पास कितने रुपए? 1200 rupees. तो बेटा लॉजिक है, दो स्टूडेंट के लिए कितने, दो स्टूडेंट के कितने रहेंगे फिर? 400. कितने? 400. 400, that is logical thing. Anyone who is having doubt now, Italia? No, sir. Sure, पक्का? Yes, sir. Now, एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, उसमें बोलता है, देखो
जैसे हीना इज टू टाइम्स टॉलर देन आमिर, अभी तुम लोगों को समझ जाएगा हीना और आमिर में कौन बड़ा है, हीना और आमिर है मतलब हीना दो गुना ज्यादा बड़ी है इस टू वन, दैट इज टू इस टू वन, ये समझा? नहीं सर, नहीं समझ। अगर ऐसा कोई नंबर है मतलब फोर वगैरह तो अगर पहले इसमें नंबर नहीं आया तो वन ही आएगा ना? हाँ वन ही आएगा। सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, हीना इज टू टाइम, हीना के पास कौन सा नंबर दिया है उसने, पास में दो, ठीक है, मतलब हीना को दो नंबर मिलेगा। देन आमिर, तो जब भी कोई ऐसा है जिसके पास नंबर नहीं है तो उसको हम लोग वन कंसिडर करते हैं। सक्षम क्लियर बेटा? अभी सर अगर ऐसा बोले गए कि हीना इज फाइव टाइम्स देन आमिर तो कैसे लिखेंगे सर? एक बार और समझा दीजिए। देखो अगर वो बोलेगा हीना इज फाइव टाइम्स ना, तो हीना के सामने में पांच लिख दो, आमिर के सामने में वन लिख दो। अगर वो बोलेगा हीना इज टेन टाइम्स टॉलर देन आमिर, तो यू विल राइट व्हाट, हीना इज टेन इज टू वन। अगर वो क्वेश्चन में ऐसा लिखता है, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखता है सी क्या बेटा सर, आमिर के लिए वन ही लिखेंगे, वन ही लिखेंगे, वन ही लिखेंगे। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन में देखो, आमिर की जो हाइट है ऑफ हीना के हाइट में, जो आमिर की हाइट है हीना के हाइट से कंपेयर करूं मैं, वो क्या बोल रहा है हिंदी में उसको कन्वर्ट करके देखो, आमिर हाइट इज वन बाय टू ऑफ हीना हाइट, मतलब क्या होगा, कौन छोटा है कौन बड़ा है पहले मुझे बताओ। सर हीना इज बिगर, हीना इज टॉलर। ओके अब देखो वो दिया है वन बाय टू, वन बाय टू का मतलब होता है वन इज टू टू, वन इज टू टू मतलब बड़ा जीरो पॉइंट फाइव। ना, डोंट कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू रेशियो पार्ट, वन इज टू टू। यहाँ तक कोई डाउट? मतलब नो सर, डिवाइडेड की साइन है उसको अपन इस टू में कन्वर्ट कर देना है। हाँ कर देना इसको, जैसे देखो हम मार्बल, रीता हैज मार्बल, देखो पहले नंबर लिख लो, जो नाम है उनको लिखो, रीता इज देयर एंड वन अमित इज देयर। इफ आई सी इन द मेन मेन पार्ट, रीता हैज थ्री बाय टू टाइम्स द मार्बल दैट अमित हैज, मतलब रीता पहले थ्री बाय थ्री टू टू, थ्री टू टू, थ्री टू टू। क्लियर बेटा? नाउ एवरीवन, इज देयर एनी वाज हैविंग डाउट? नो सर, एक डाउट है। हाँ बेटा बोलो। जैसे रीता के पास अभी क्वेश्चन क्या दिया है, रीता हैज थ्री बाय टू टाइम मार्बल देन अमित, तो फिर रीता को थ्री और बीच में इस टू और अमित को दो। हाँ हाँ सेम यहाँ पे, अमित हैज टू थ्री पार्ट ऑफ दैट व्हाट रीता हैज, तो अमित को दो मिलेगा टू इस टू थ्री। नहीं नहीं ये अलग है, अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, इसलिए तो घुमा फिरा के पूछा मैंने। पार्ट बोल रहा है पार्ट। सर पर ये कौन से पेज पे है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज फर्स्ट को, चैप्टर नंबर 8, गो टू चैप्टर नंबर 8। सर अमित विल हैव मोर, अमित विल हैव, रीता विल हैव मोर, रीता विल हैव मोर। Now listen to me carefully. Amit has 2/3 part of that what Rita has. मुझे बताओ ये जो मेरा circle बना है उस circle के अंदर कितने parts हैं? एक दो तीन, three parts. अब वो बोल रहा है, अमित बोल रहा है कि अमित के पास कितने part है तीन में से? Two, three part. हाँ याद रखो, ये part जब आता है ना part तो alert हो जाना, IMP है वो. It is very important. Whenever the part comes, be alert. Remember IMP. अगर अमित के पास दो पार्ट है तीन में से, तो रीता के पास कितने बचे फिर? ये कितने लोगों को समझा पहले बताओ? Whenever there is a part comes, फिर से जब भी ये पार्ट की बात आती है, देख आदित्य सी, देर इज टू बाय थ्री पार्ट, तो कभी भी जो नीचे वाला नंबर रहता है ना डिनोमिनेटर में, उसको ध्यान देना, डिनोमिनेटर में कितना बोल रहा है वो थ्री, मतलब एक सर्कल के कितने हिस्से रहेंगे बेटा? थ्री, थ्री सैंडविच के। वो बोल रहा है अमित इज हैविंग टू बाई थ्री ऑफ द पार्ट, मतलब तीन में से पार्ट अमित के पास कितने, अमित आदित्य दो है, तो बचा हुआ पार्ट किसके पास होगा फिर? रीता के पास। पक्का अभी क्लियर है? सर फिर रीता को तो एक ही मिलेगा ना? हाँ बेटा एक ही मिलेगा।
अब देखो स्पीड ऑफ अ चीता इज 6 टाइम द स्पीड ऑफ अ मैन, अब बताओ किसकी स्पीड ज्यादा है? सर चल पर सेकंड वाला को बता रहा हूँ, जस्ट वेट जस्ट वेट सी, दे हैव गिवन यू द स्पीड ऑफ चीता दैट इज 120 किलोमीटर पर आवर एंड मैन ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 120 बाय 20. सबसे पहले जब बड़े नंबर्स है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो छोटे नंबर्स में, ओके ये फर्स्ट स्टेप होता है. जब इसको ऐसे नंबर्स जब आपको जीरो जीरो दिख रहे दोनों इसमें तो पहले फुर्सत में जीरो जीरो को कट कर दो. 12 बाय 2 पहले कौन था ऊपर में, 120 किसकी स्पीड है? चीता की. और नीचे में किसकी स्पीड है वो? मैन की. तो आपको रेशियो क्या मिलेगा? 12 बाय 2 मतलब कितना होगा? 6:2 मतलब चीता इज 6 टाइम द स्पीड ऑफ द मैन. अगर उसको मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं मैन लिखूं और चीता लिखूं तो उल्टा हो जाएगा रेशियो भी. तो मैन इज टू चीता कितना हो जाएगा? 1 बाय 1. अब क्या बोलोगे? द स्पीड ऑफ अ मैन इज 1/6 ऑफ अ चीता. 1:6 1 बाय 6 ऑफ चीता. सर वो अमित और रीता वाले के रेशियो में कैसे सेकंड पर अमित वाला? यस सर. सर चीता और रीता वाला जब मैंने सर्कल बनाया उस सर्कल में उस पिज्जा में 3 हिस्से थे. हाउ मेनी शेयर्स वेर देयर? 3 शेयर्स वेर देयर. द टोटल पार्ट्स वेर हाउ मच? 3. ठीक है, 3 2/3. रीता के पास कितना पार्ट मिला उसको? 3 में से कितने पार्ट मिले रीता को? 1. रीता को 1. अमित को 2. वो बोल रहा है अमित था तो कुछ नहीं, रेशियो में डालो ना 2:1. पहले अमित में तो 2, रीता बाद में तो 1, खत्म हो गया. इतना ही बस, इतना ही था. क्लियर सर? एक बार आएंगे तो बताएंगे. किसका किसका? जस्ट वेट. किसका? आईएमपी. वेरी इंपॉर्टेंट. आईएमपी मींस इंपॉर्टेंट. देखो चीता जो सबसे पहले दिया है ना, दो इंसानों को कंपेयर करो, 1 इज चीता एंड 1 इज मैन. तो एक के नीचे एक लिख दो पहले. चीता की स्पीड कितनी है देखो? 120. आदमी की 20. जब दो नंबर्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाए जीरो कट रहा है तो जीरो कट कर दो. अब कितना बचा? 12/6. इसको बोलेंगे द स्पीड ऑफ अ चीता इज 6 टाइम्स द स्पीड ऑफ मैन. लेकिन अगर मैं मैन की पहले लू और चीता की बाद में लू, स्पीड क्या होगी? 1/6. तो मैं बोलूंगा द स्पीड ऑफ मैन इज 1/6 ऑफ अ चीता. अब बताओ किसको डाउट है यहाँ तक? सर मतलब एग्जाम में ऐसा ही आएगा कि हमें ये नहीं दिया हुआ कि 6 टाइम द स्पीड, वो बस किलोमीटर पर आ रहा है. सिंपल सिंपल इतना ही आने वाला, ज्यादा कुछ नहीं आ रहा. इसमें सर? हाँ बेटा. सर वो जो अमित और रीता वाला क्वेश्चन था उसमें रीता के पास ज्यादा मार्बल्स हो गए ना? बेटा एक बात बताओ, अमित हैज 2/3 पार्ट ऑफ व्हाट रीता हैज. अमित हैज 2/3 पार्ट ऑफ व्हाट? नहीं सही है, अमित के पास ज्यादा रहेंगे. नमन उसके पास ज्यादा रहेंगे. अब जो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आपको काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? 1,000 meters. 1 meter is equal to how many centimeter? 100 centimeter. 1 rupees is equal to how many paise? 100 paise. 100. Pakka? 1 kg is equal to how many gram? 1,000 grams. ये चारों चीजों को भूलना नहीं, एक दो बताऊंगा और मैं. Now listen to me carefully.
फाइंड द रेशियो ऑफ किलोमीटर टू 300 मीटर. नाउ लिसन, ये आपका बेसिक है. सबसे पहले एदर कन्वर्ट बोथ ऑफ देम इनटू किलोमीटर और बोथ ऑफ देम इनटू मीटर. तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किलोमीटर टू मीटर में कन्वर्ट करो. देखो, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, कितना मीटर होता है? 1000 किलो, 1000 मीटर. मुझे ये 1 किलोमीटर की जगह मुझे कितना किलोमीटर चाहिए यहाँ पे? देखो, 3 किलोमीटर. मतलब मुझे इसको यहाँ पे किलोमीटर की जगह 3 चाहिए, तो मुझे 3 × 1 करना पड़ेगा. क्या वो 3 × 1 किलोमीटर? Yes, sir. तो क्या मुझे 3 किलोमीटर मिलेगा? ये कितने लोगों को समझा भी पहले बताओ. सर मेरे को नहीं समझा. बेटा 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर इज गिवन? 1000 मीटर पक्का? यस सर. मुझे कितना किलोमीटर का निकालना है? कितना किलोमीटर कितना मीटर होता है? कितने किलोमीटर का निकालना है बेटा? 3 किलोमीटर. ठीक है, मैंने अगर 3 × 1 किया तो 3 किलोमीटर आया क्या बेटा यहाँ पे? सक्षम आया क्या? हाँ सर, हाँ बोला. तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में अगर 3 मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड में भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से. तो 3 × 1000 कितना होगा? 3000. ठीक है, मतलब आपने किलोमीटर को कन्वर्ट कर दी मीटर में. तो इसका मतलब क्या हुआ? इस किलोमीटर मतलब कितना हुआ? 3000 इज टू. सीधा वो नंबर को 1000 लगा के नहीं बना सकते क्या बेटा? बेसिक्स को फिर आप भूल जाते हो मीरा, आप बेसिक्स को फिर भूल जाते हो. 3000 × 300 यू कैन राइट 3000/300. अब जब भी 0 0 रहेंगे, नीचे में कितने 0 है? 2 0. कट कर दो. 30/3. 10 is to 1. इजी है कि हार्ड है? बताओ. किसको नहीं समझा? मीरा बेटा 3 किलोमीटर है. 3 किलोमीटर मतलब कितना मीटर होता होगा तुम्हारे हिसाब से, आपके हिसाब से? इसलिए आपको बता देना चाहिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 3000. अच्छा, 15 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 15,000. वेरी गुड. जब आपको पता है 15,000 3,000 मीटर पता है, तो 3,000 मीटर वो स्टेटमेंट हो जाएगा 3,000 मीटर टू 300 मीटर. इसको हम लोग लिखते हैं कैसे है? ऐसे 3,000 इज टू 300. अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो 3,000/300. अब तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं आप. 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, बचा क्या? 30 is to 3. बचा क्या आंसर? 10 is to 1. ये तो करना सिंपल तो है. क्लियर टू एवरीवन नाउ? यस सर. Okay, now listen to me carefully. ये हमने किया एक्टिविटी. मुझे बताओ यहाँ पे दो नंबर्स है, एक 4/5 एंड एक 6/5. इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, अदर डिनोमिनेटर्स आर सेम देयर और नॉट? यस सर. यस सर. यस सर. जब भी डिनोमिनेटर सेम है, कब सेम है? व्हेनेवर द डिनोमिनेटर्स आर सेम, compare the numerator. 4 and 6, who is greater than 6 by 5 is greater than 4 by 5. Yahan tak kisi ko doubt? No sir. No sir. No sir. Sure? Yes sir. Yes sir. Now. Yes sir. Just wait. Now see. अब यहाँ पे नंबर्स आइडेंटिफाई करो, द डिनोमिनेटर सेम और नॉट? सर दे आर नॉट सेम. डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम. तो टेक द डिनोमिनेटर्स. व्हाट आर द डिनोमिनेटर्स? 4 एंड
4 and 3 ka LCM nikalo. What is the LCM of 4 and 3? To kuch nahi multiply kar do multiples ko, numbers ko multiply kar do. 4 3 12. Sir, LCM matlab multiply na. हाँ तो देखो पहले नंबर को ऐसे लिखना, फर्स्ट नंबर को ऐसे लिखो 4/3, थोड़ा ऐसा लंबा लाइन एक्सटेंड करो, मल्टीप्लाई बाय एंड इज इक्वल टू 12, डिनोमिनेटर में 12. सेकंड नंबर को भी नीचे लिखो ऐसे, व्हाट इज दैट, 5/4 मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स गैप छोड़ो एंड डिनोमिनेटर में 12. ये सेकंड स्टेप आपका. ये समझा क्या यहाँ तक? फर्स्ट स्टेप के बाद में आपने एलसीएम निकाला, उसके बाद फर्स्ट स्टेप नहीं समझे बेटा? ये फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप में 4/3 मल्टीप्लाई करना था, एलसीएम है. ये सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में जो नंबर है उसको लिखना है, बल्ब में मल्टीप्लाई लिखना है, बाद में ऐसा दो ब्रैकेट छोड़ना है ऐसे, और उसके यहाँ पे भी एक न्यूमरेटर में ब्रैकेट छोड़ना है और नीचे में डिनोमिनेटर लिखना है. सेम फॉर द अदर नंबर ऑल्सो, 5/4 के लिए भी. अब समझा के देखो बेटा मेरा. यस सर. गुड. अब मतलब वो ब्रैकेट में क्या आएगा? बेटा सुनो तो पहले, मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं 3 के कि 12 आ जाए? 3 के टेबल में 12 कब आता है? 4 का जो नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आया वो न्यूमरेटर में भी लिख दो. 4 अब बताओ 4 का कितना हुआ? 16. मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि 12 आ जाए? 4 से. 3. यहां पे भी लिखो 3. 5 3 जा हाउ मच? 12. अब मुझे मिला उसमें किए थे हम लोग. बेटा आपने लिखे 5/4, 5 × 4 तो 12 नहीं होता ना. तो बेटा 5 × 4 12 कहाँ लिखा है सर? जैसा आपने फर्स्ट वाले में किया 4 × 3 वैसे. बेटा सी, ये 4/3 क्वेश्चन में दिया है बेटा. सिद्धांत यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर. 5/4 क्वेश्चन में दिया, पता है क्या? नो सर. बेटा 5/4. हाँ यस सर, दिया है 5/4. तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करने का दो दो ब्रैकेट छोड़ देना, और उसके बाद इज इक्वल टू डाल के नीचे में डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है एलसीएम की उसको लिख देना 12 12. यहां तक समझा? यस सर. अब मैं 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे 12 आए? यहां पे एक नंबर लिखना पड़ता है, कौन सा नंबर आएगा, व्हिच नंबर इट विल बी? सर 4. 4 वही नंबर आपके ऊपर में न्यूमरेटर में खाली था तो वहां पे भी लिखना है. यहां पे लिख दिया मैंने 4, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 4 × 4 विल बी हाउ मच? 16. Same for 5/4. 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो तो 12 है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से. ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना है? 5 × 3 = 15. तो 15/12. क्लियर अभी? यस सर, क्लियर. अब जब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो कंपेयर द न्यूमरेटर्स, व्हाट विल बी दैट? सर 16/12 इज ग्रेटर. सर 16/12. पक्का? यस सर. यस सर. सर अब बताओ जिसको डाउट है आता है. सर एलसीएम निकालने के लिए सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना? एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो तो कभी वैल्यू आ जाएगी. साथ कोई डाउट बेटा? सकलेन, नूतन, अक्षरा, हमको सॉल्व करने के लिए? नो सर, नो डाउट. एक क्वेश्चन दो क्या? ठीक है चलो, एक क्वेश्चन लो सॉल्व करके देखो. सर हम लोग व्हाइट बोर्ड पे करेंगे, चैट बॉक्स में डाले, अपने अपने कॉपी में करो. 1/2 = 2:3 व्हिच इज ग्रेटर? क्या सर आप बोले ना बेटा, नंबर चाहिए तो लो ना नंबर, लो 1/2 and 2/3. 2/3 is greater. Just wait Nutan. So 1/2 is greater. Sir 2/3 is bigger. 2/3 is greater. Sir 2/3 is greater. Sir 2/3 is greater. Sir 2/3 is greater. क्या किया फर्स्ट स्टेप में? क्या किया पहले आपने, क्या निकाले? सर एलसीएम. एलसीएम पक्का? एलसीएम इज हाउ मच? सर 6. 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे बॉक्स बनाया कैसा?
ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे सिक्स आ जाए? थ्री भी सेम मल्टीप्लाई बाय थ्री, तो कितना हुआ? थ्री बाय सिक्स. सेम फॉर द टू बाय थ्री, ब्रैकेट छोड़ो नीचे में सिक्स. हाँ बताओ क्या मल्टीप्लाई करूँ नीचे में? विच इज ग्रेटर? टू बाय थ्री. मतलब टू बाय थ्री. अभी किसी को डाउट है क्या तक बताओ? किसी को है भी तो चैट बॉक्स में बताओ कि सर प्रॉब्लम है, नहीं समझा मैं बता दूंगा. सर फर्स्ट स्टेप में दोनों की करनी है ना, ऊपर वाले और नीचे वाले की? सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट स्टेप में, एलसीएम निकालने के लिए. मतलब 3 × 3 2 × 3. हां 2 × 3 डन फॉर एवरीवन. यस सर. ओके अब तो बहुत कॉन्फिडेंस है, अब आप आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सर अपना जो विजुअल एंड सॉलिड शेप है उसकी अपन को मतलब सॉल्व नहीं करना है ना कॉपी में, उसके सारे क्वेश्चंस करना है, सभी क्वेश्चन करना है. सर कैसे करेंगे? वो तो आइसोमेट्रिक पेपर पे होते हैं ना. तो आइसोमेट्रिक पेपर को चिपका उस पे. सर आइसोमेट्रिक पेपर को कॉपी में चिपकाना है क्या? हाँ. फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन दिख रहा है आपको? यस सर. एक्सरसाइज 8.1. एक क्वांटिटी है रुपीस 5, एक क्वांटिटी है 50 पैसे. बड़ी क्वांटिटी कौन सी है उसमें? रुपीस 5. सर 5. 1 रुपीस इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसा? 500 पैसा. आर दे बोथ सेम इन द पर्टिकुलर टॉप यूनिट नाउ? यूनिट सेम है क्या? अलग अलग अभी 5 रुपीज 2. 5 रुपीज के बदले मुझे 500 मिला. 500 2 का मतलब होता है 50. हाँ बेटा बोलो. 10 is to 1. Now just wait. Step number one, पहले units compare करो. Units compare करो. Rupees and पैसा अलग अलग है. So first compare the bigger number into bigger, smaller number. तो step number two is what? Compare करो. तो मैंने किया 1 rupees equal to 500 पैसा. तो मैंने 5 rupees equal to how much value I got? 500 पैसा. स्टेप नंबर थ्री मुझे मिल गया कि दोनों यूनिट सेम है. जब दोनों यूनिट सेम मिल गए तो उसको लिखो 5 rupees की जगह मैं कितने रुपए पैसे लिखूंगा अभी? 500. का जो सिंबल है वो एंड द नंबर अदर नंबर. फिर फोर्थ स्टेप में इसको लिखना है 500 upon 50. मैंने बताया था जब भी जीरो कटता है कट कर दो. इसका वजह 10 upon 1. 10. Yes, sir. Sure? Now, you tell me, which one is the bigger value? Kg or gram? Kg. So, mujhe batao, 1 kg is equal to how much gram? 1000 gram. So, 50 kg mein kitne gram honge? 15,000 gram. Yes, sir. क्या इसको मैं रेशियो में लिख सकता? फ्रैक्शन है लाइक रेशियो 15,000 upon 210. जीरो जीरो कट गया. अब क्या होता है? 1500 upon 21. नाउ यहाँ पे ना एक चीज याद रखना, 1500 upon 21 में क्या करना सुनो. मैं क्या बताऊँ, कभी भी ऐसे क्वेश्चन में जीरो को छोड़ दो. जीरो को सॉल्व होता है तो करें, तो करो नहीं तो मत करो.
देखो डिवाइड करो इसको 3 से, दोनों को डिवाइड करो 3 से, क्या होगा बताओ ऊपर में? 500 is to 7 अब लगता है 7 के टेबल में मल्टीप्ल डिवाइड होता होगा पूरा वो? नो सर, नो सर। तो रेशियो लिख देना, व्हाट विल बी द रेशियो? 500 is to 7 कोई डाउट यहां तक? नो सर। जो 9 meters to 27 meters है, कौन सी वैल्यू बढ़ी है 9 meter की 27 centimeter? 9 meter. मुझे बताओ 9 meter में 1 meter इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 centimeter. 9 meter इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 900 centimeter. सो इट विल बी हाउ मच? 900 27 centimeter. मुझे बताओ can I write like this 900 is to 27? Yes sir. Can I write 900 upon 27? Yes sir. Yes sir. Divide the upper value by 300 by 9. 300 by 9. Okay now 100 by 3 के टेबल दोनों आएंगे, 3 के टेबल में 100 by 3 by 3 9 so 100 by 3 what is the ratio that I got? 100 is to 3. Sure? Damn sure? Yes, sir. Yes, sir. The last question. Now see, which one is greater, 30 days or hours? Hours. Sorry, days. 30 days. एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 hours. 24 hours. How many days? 30 days. करो, देखो किसके टेबल में आते हैं दोनों? Sir, 36. Do it sir, with the simple number. 20. Sir, 20 is to 1. Yeah, yeah. If you do like this, 6 ke table maybe, the 6 1 ja 6. 6 2 ja 12. 120 divided by 6. 120 divided by 6. Will be how much? 20 by 1. So can I write like this? 20 is to 1. 20 is 1. Yes, sir. Yes, sir. So, is it easy now? Yes, sir. मैं recording post करूँगा, आपको जाके देखना है, ठीक है? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Please give the attendance. Please give the attendance. Without marking the attendance, no one will go. Say yes if you are present. Okay, Tawhid Azaz. Tawhid was there. Aditya was there. Atharva Bhavani, Yashraj, Devika. Advaita Deshmukh was there. Advaita Deshmukh. Advaita. Tawhid Azaz is present. Tawhid present. Advaita Deshmukh. Present, sir. Okay, is there Dhruv Gajbe and Naman Dharmani? Yeah, the Naman is there. Dhruv Gajbe, are you there? Dhruv? Maybe you, Atharva. Atharva is present. Dhruv Gajbe is there or not? No, sir, not just there. It's not there, okay. Are? Atharva Hrade? Sir, can we leave? Jinka attendance ho gaya, wo ja sakte. Yatharth Ingole? Is there Yatharth Ingole now? Sir, he is there, but not connected to audio. Bhavik Jain? Yes, sir, present. Samiksha Jajani? Saksham is there. Anaga is there? Is there Anaga? Anaga hai kya meeting mein? No, sir. Okay. Shlok Kapsa is there, Joyner is there, Akshar is there, Nutan is there, Meera is there, Ipsha is there, Suhani Manglani is there, Suhani Manglani.
इज द सुहानी मंगलानी धवल मेश्राम धवल है पूर्वी मुस्कानी सार्थक मुस्कर सर प्रेजेंट रीत नराले सॉरी रीत ननकानी यश नराले यश नहीं यश छोड़ के गया बता के गया वो प्रनील राजपूत भी था अंजलि राठौड़ जिस देर हर्षित राउत मणिकर्णिका है मणिकर्णिका ओके प्रेम साई राउत मोनिश रॉय प्रेम साई राउत इज देर मोनिश रॉय जस्ट वेट ओके देन मैत्री साध इज देर सकलिन इज देर सिद्धांत इज देर काशवी इज देर राजीव इज देर काशवी सिंह इज देर ओके थैंक यू हैव अ ग्रेट डे सर श्लोक इज प्रेजेंट बाय सर थैंक यू सर या बाय सर बाय सर थैंक यू